हमारी मांगे। आपके जवान के कारण आपको भगवान मानते हैं। 100-100 रुपए के लिए तरसते हैं अभी, जो कि हमको 6 महीना से पेमेंट नहीं मिला हुआ है। विद्या मितान शिक्षक विगत 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। भाजपा शासन काल में 28 दिन का हड़ताल किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के मुखिया वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हड़ताल में आकर समर्थन दिया था और कहा था कि हमारी सरकार आती ही विद्या मितान शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। वर्तमान कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी हड़ताल का समर्थन किया था। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक गणों ने भी समर्थन किया था, साथ ही घोषणा पत्र में इसका उल्लेख भी किया गया था। हम मुख्यमंत्री जी से आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपने कहा था कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया वालों को नहीं छोड़ूंगा। तो हम भी बताते हैं, हम चटनी वासी के खविया हैं। जब 15 साल से रहने वाले रमन सरकार को हमने खदेड़ दिया, तो 4 साल की जो 4 महीने की सरकार आई है ना, वो हमसे छत्तीसगढ़िया वाले से पंगा ना ले। जल्दी से जल्दी नियमित किया जाए, जो घोषणा पत्र में वो हमें आश्वासन दिए हैं, बस उसी घोषणा पत्र के अनुसार हमें नियमित करें। हमारे घर में फैमिली हैं, हम आज भी कितने हमारे विद्या मितान साथी हैं जो पैसा 50-50 रुपये 100-100 रुपये के लिए तरसते हैं अभी, जो कि हमको 6 महीना से पेमेंट नहीं मिला हुआ है और कहीं से उधारी कहीं से व्यवस्था करके आए हैं यहाँ पे, और इतना मुश्किल परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं। सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि नियमितीकरण का वादा किया हमसे और आज हमारे साथ छलावा क्यों कर रही है, यही हमसे उनसे पूछना चाहते हैं। जब उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया होगा तो सोच समझ कर तो किया होगा कि ऐसे ही बिना सोचे समझे कर दिए हो। यदि आप सोच समझ कर यदि घोषणा पत्र में हमारे मांग को आप लिखे हैं तो आपको पूरा करना चाहिए, क्योंकि आपका दायित्व है। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए विद्या मितान छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, उन्हें नियमित किया जाए, जिसके लिए आज विद्या मितान संघ ने धरना प्रदर्शन किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो।